इस पे समिति गठित कर दी गई है और वो इंक्वायरी करेगी और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। जिसने भी इस प्रकार का कृत्य किया है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। तो सर किस प्रकार की जांच करवाई जाएगी? देखिए समिति गठित कर दी है, जैसे अभी हमारे PCC हैं उन्होंने एक समिति गठित कर दी है और उसकी पूरी जानकारी लेंगे और अगर इस प्रकार के कुछ फर्जी बिल हैं और इस प्रकार के कोई सच्चाई पाई जाती है तो निश्चित तौर से उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सर कहीं ना कहीं लेकिन निश्चित तौर से जब इस प्रकार के आते हैं, कई बार देखिए जहाँ तक ये इस प्रकार के दोषी हैं तो पता नहीं चलता, लेकिन जब कई बार देखते या कहीं किसी से जानकारी मिलती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। और जैसे अभी ये जानकारी मिली है कि इस प्रकार से कोई बिल चढ़े हुए थे और इस प्रकार उसने सारा का सारा जो था वो बोगस है, सारे के सारे वास्तविक काम नहीं हुआ जैसा मैंने अखबार में पढ़ा, तो उसके हिसाब से मेरा मानना ये है कि जांच करेंगे और जांच करेंगे, अगर वो दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ पुलिस। देखिए उसमें एक कंप्लेंट आई थी कि कुछ ऐसे संपन्न लोग हैं जो काफ़ी समृद्ध लोग हैं जिनके पास खूब पैसा है, तो ऐसे लोग भी 134A के तहत एडमिशन ले रहे थे, तो स्कूल वालों ने शिकायत भी की थी कि जो व्यक्ति कल तक हमारे पास 2,000, 3,000 या 4,000 रुपये की फीस दे के अपने बच्चों को पढ़ा रहा था, अब अचानक वो 134A में आ गया हमारे से कहता है फ्री पढ़ाओ। तो हमारा निवेदन ये है कि इसकी जांच होनी चाहिए, जो अति गरीब व्यक्ति है, जो गरीब है तो उसको एडमिशन होना चाहिए। तो हमने उसका सर्वे करवाया, जिन लोगों की आमदन 2 लाख से कम थी हमने उनको एडमिशन करने का काम किया और अब तक हमने 40% से ज़्यादा बच्चों को एडमिशन कर दिए, जिनमें से 10% से ज़्यादा बच्चे ऐसे पाए गए कि जो उस आमदनी में फिट नहीं बैठते थे, लगभग 50% से ज़्यादा बच्चे लगभग क्लियर हमने कर दिए। और लगभग हर बार का औसत यही रहता है कि 50% बच्चे ही हमारे पास आते हैं जो उनमें 134A में आते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अगर कोई बच्चा इस टाइम भी अगर ऐसा होगा तो उसका भी एडमिशन करेंगे। वैसे लगभग हमने सारे एडमिशन कर दिए, सर नहीं अब की बार कोई नहीं ऐसा है, अब की बार हमने सारा पैसा दे दिया। लेकिन कुछ स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने क्लेम ही नहीं किया, अपना पैसा का क्लेम नहीं किया, हमारे पास भेजा नहीं है, तो हमने उनसे एडवर्टाइज भी की, हमने कहा कि जिस भी स्कूल का पैसा रुकया है वो 1 साल का 2 साल का 4 साल का जितना भी रुकया है वो अपना क्लेम करें, हम तुरंत पैसा देंगे, पैसे की व्यवस्था हमारे पास है। और अब की बार हमने उनका पैसा बढ़ा दिया, ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ 300 रुपये हम दे रहे थे वहाँ हम 500 रुपये देने शुरू कर दिए, जहाँ हम 500 दे रहे थे वहाँ हमने 700 देने कर दिए शुरू कर दिए, ऐसे ही शहर में जहाँ हम 500 दे रहे थे वहाँ 700 देने शुरू कर दिए, जहाँ 700 दे रहे थे वहाँ 900 रुपये देने शुरू कर दिए ताकि उनको भी उसका लाभ मिल सके। सर जो अभिभावक नहीं देखिए अभी मैं नहीं समझता कि कहीं अभिभावक परेशान है, पर लेकिन फिर भी मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि अगर कहीं अभी भी कोई ऐसा बच्चा है जिसको 134A में एडमिशन मिलने में कोई दिक्कत है तो निश्चित तौर से हमारा जो जिला शिक्षा अधिकारी है उसके साथ संपर्क करें, निश्चित तौर से मिल पाएगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।